भारत के संविधान को खतरे में बताने वालों को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लताड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। बात करते हैं भारत के संविधान को बचाने की और फिर लगाते हैं फिलिस्तीन का नारा। ऐसा कहते हुए असम के मुख्यमंत्री ने विरोधी दलों के नेताओं के साथ साथ विरोधी विचारधारा को भी जमकर फटकारा। आपको याद होगा इन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कैसे बीजेपी के हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर विरोधी दलों ने संविधान खतरे में है का एजेंडा चलाया। शायद इस बार उनका सोशल मीडिया झूठ को फैलाने में इतना कारगर साबित हुआ कि जनता ने इसे सच मान लिया और उसका नुकसान किसको हुआ? बीजेपी को। जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। लेकिन ये क्या, संविधान को बचाते बचाते ये नेता जब लोकसभा पहुंचे तो खुद हिंदू से लेकर भगवान शिव की तस्वीरें दिखा दिखा कर नए नए दावे करने लगे। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने, सर वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया, देखिए वापस आ गया सर, हटा दिया सदस्य, ये देखो एक मिनट। सिर्फ यही नहीं, मोदी के कट्टर विरोधी और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो डंके की चोट पर जय फिलिस्तीन का नारा तक लगा दिया। नहमदु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आईन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतिकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर। ऐसे सभी लोगों के साथ साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमकर फटकारा। डंडा उठाया गया, जो लोग भारत वर्ष का संविधान का सम्मान करते हैं, ऐसे जो लोग बोले थे, क्या बोले थे हेमंत सोरेन जी ने, उनका पार्टी ने, क्या मोदी जी आने से संविधान का खतरा है? संविधान में क्या इजाजत है फिलिस्तीन का फ्लैग उठाना? आज अगर हेमंत सोरेन जी संविधान को सम्मान करते हैं तो जो लोग फिलिस्तीन का फ्लैग उठाया ये लोगों को आप अरेस्ट करो। इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसे को लेकर बात कही और बताया कि 700 मदरसे वो बंद कर चुके हैं और आगे भी प्रदेश में काम हो रहा है। देखिए, भाजपा का स्टेट भी पहले कांग्रेस ही था, शुरुआत कांग्रेस ने ही ये सब करके किया है, कोई भाजपा सरकार ने मदरसा नहीं बनाया, कांग्रेस ने ही मदरसा बना के गया है। और अभी हम लोग मदरसा को, मैं असम में 700 मदरसा बंद किया और बहुत कुछ काम हमारा स्टेट में हो रहा है। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत में भारत वर्ष का गुणानुकीर्तन होते हैं, हमारा नद नदी, हमारा भूगोल का गुणानुकीर्तन होता है। कोई अगर बोलता है संस्कृत और मद्रासा समान है, वो कुछ नहीं जानते हैं। संस्कृत में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में ह्यूमैनिटी का बात बोला जाता है, संस्कृत में हिंदू कम है, ह्यूमैनिटी ज्यादा है, विज्ञान ज्यादा है, मैथ्स ज्यादा है। कोई लोग ये नहीं समझ के अगर हिंदू संस्कृत और मद्रासा को इक्वल करना चाहते हैं,
उसका ज्ञान का ऊपर मेरा खुद का डाउट हो जाएगा। देखिए जिस रूप से पुलिस सहायक का ऊपर लाठीचार्ज किया जा गया है बहुत ही निंदनीय है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने और क्या कुछ कहा सुनिए। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत में भारत वर्ष का गुणानुकीर्तन होते हैं। हमारा नद नदी हमारा भूगोल का गुणानुकीर्तन होता है। कोई अगर बोलता है संस्कृत और मद्रासा समान है वो कुछ नहीं जानते हैं। संस्कृत में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में ह्यूमैनिटी का बात बोला जाता है। संस्कृत में हिंदू कम है ह्यूमैनिटी ज्यादा है, विज्ञान ज्यादा है, मैथ्स ज्यादा है। कोई लोग ये नहीं समझ के अगर हिंदू संस्कृत और मद्रासा को इक्वल करना चाहते हैं उसका ज्ञान का ऊपर मेरा खुद का डाउट हो जाएगा। देखिए जिस रूप से पुलिस सहायक का ऊपर लाठीचार्ज किया जा गया है बहुत ही निंदनीय है। हेमंत सोरेन जी ने चुनाव का पहले बोला था कि उनका जॉब रेगुलराइज करूंगा। अगर आपने बोला था तो आपको करना चाहिए, आप नहीं बोले थे तो अलग बात था, लेकिन आपने बोला था कि मैं रेगुलर करूंगा। अगर आप बोले थे तो उनका ये लेजिटिमेट डिमांड होते हैं कि भाई चुनाव का पहले मुझको करके दीजिए। लाठी मारना ये तो कोई नीति का बात नहीं हुआ। अगर आप नहीं बोलते थे तो अलग बात है, लेकिन आप बोले थे तो आपको आज उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मैं कल सुबह जो हॉस्पिटल में है उनको मिलूंगा, लेकिन जहां एजिटेशन हो रहा है वहां मुझको जाना ठीक नहीं है। मैं एक अलग प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग है वो लोग को मिलने के लिए मैं प्रयास करूंगा कल सुबह। चुनाव में बीजेपी का भव्य विजय होना चाहिए। झारखंड का भविष्य के लिए बीजेपी सरकार इस बार बनना बहुत जरूरी है। देखिए तैयारी झारखंड का जनता को करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तैयारी का जिम्मेदारी तैयारी करने का काम झारखंड का जनता का है, हम लोग तो खाली प्रेरणा ही दे सकता हूँ। असम के सीएम का रौद्र रूप हर उस विरोधी दल के नेता के लिए जवाब है जो कभी संस्कृत पर सवाल उठाता है, कभी मदरसा बंद होने पर, कभी संविधान को बचाने की बात करता है तो कभी हिंदुओं को हिंसक कहता है। फिलहाल आप इस खबर पर और हिमंता के बयान को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।